बुलंदशहर छतारी थाना क्षेत्र में गोकशी की घटना का मामला सामने आया है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंशों की सुरक्षा के लिए भले ही गो आश्रय स्थल बनाए हो, मगर गोकशी करने वाले गो आश्रय स्थलों से गोवंशों की चोरी कर गोकशी की वारदात को खुलकर अंजाम दे रहे हैं। मामला यूपी के बुलंदशहर के सरभन के गो आश्रय स्थल से 3 गोवंशों को चोरी कर गोकशी की वारदात को अंजाम देने का है, जहां वे गोकशी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बरामद 3 गोवंशों के अवशेषों को दफन करा आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर सख्त कार्यवाही का दावा किया है। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ ये ग्रामीण सिर्फ इसलिए हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहां गोकशी ने 3 गोवंशों की हत्या कर गोकशी की वारदात को अंजाम दिया है। ग्रामीणों की माने तो बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के सरभन गांव में स्थित गौशाला से 3 गोवंश की चोरी की गोकशी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की जानकारी पाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने छतारी थाना अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए छतारी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत करवाया है। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका? संदीप राघव, बजंगल जिला से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गोकशी के मामले में, इसमें कई बार गोकशी हुई है और आरोपी बच जाते हैं अपने किसी भी ले दे के, जैसे भी होता है। अब ये नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इन पे अभी 2 भैंस भी चोरी का वो अभी तक नहीं खुला और ये गाय का मुकदमा भी हो गया। हम सीधे नोएडा से अभी आए हैं और अपनी टीम पूरी है, कार्रवाई देखते हैं क्या होती है। फिर आप क्या मांगे हैं आपकी संबंधित अधिकारियों से? इंस्पेक्टर साहब का निलंबन चाहते हैं, इंस्पेक्टर साहब को ट्रांसफर चाहते हैं। अच्छा, किसी पर शंका है जिसने ये गोकशी की है? नाम बताए हैं। कौन कौन है? और एक लड़का और छतारी का है, उसका नाम अभी जैसे ही पता होता है फिर मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। ठीक है, ओके। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह, हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष बुलंदशहर। यहाँ जो गोकशी हुई है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, गोकशी हुई है, निंदनीय घटना है। कुछ असामाजिक तत्व है जो सरकार को बदनाम करने के लिए, और हमारा जो प्रशासन है दिन रात मेहनत करता है, कुछ प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं तो नाम लो पूरा, तो उनकी कहीं ना कहीं चूक तो है। लेकिन हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी और हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े गौ माता के प्रति बहुत अच्छा भाव है। जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे क्षेत्र अधिकारी भी बहुत अच्छा काम करते हैं गौ माता के प्रति। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है जो हमारा माहौल है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। उन लोगों को भी हम चेतावनी देते हैं कि जो हमारी गाय को काटेगा वो ये ना सोचे कि वो जीवित रहेगा। पुलिस प्रशासन उसको पाताल से भी खोज करके निकालेगी उसकी, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा होगी वो देने का कार्य करेगा। ये योगी सरकार है और कोई सरकार नहीं। अच्छा, ये शंका है आपको किसी पर जिसने गोकशी की? हाँ, शंका है। कुछ नाम भी दिए हैं प्रशासन को। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं वो? प्रशासन के पास है नाम, है वो दे दिए गए हैं। जो जिन पर शक थी उनको उठाए भी गए हैं, कार्रवाई तुरंत हो रही है। और छतारी जो SHO है उनको निलंबित करने का आदेश भी दिया जा रहा है, अभी हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। प्रशासन एकदम दुरुस्त है, एकदम मुस्तैद है। बट ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि प्रशासन का हम लोग सहयोग करें जिससे कि उन ऐसे दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई। ये थाना छतारी क्षेत्र में सरबंदा गांव में आज कुछ गोवंश के अवशेष मिले थे, जिनका अंतिम संस्कार करा दिया है और तहरीर लिख के इसमें जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ के जो युवा दल नेता हैं उन लोगों ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग की है उसमें? हाँ, जैसा कि आपने देखा कुछ आक्रोश था थानाध्यक्ष के प्रति, उसमें हम लोग आवश्यक पत्राचार कर रहे हैं, उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। अभी कितने लोगों नामजद किया गया है इसमें? अभी तहरीर दी जा रही है, जितने लोग नामजद होंगे सभी खिलाफ। यहाँ घरों में भी अवशेष, गाय के अवशेष मिल रहे हैं? नहीं, वो कुछ अवशेष मिले थे, हमने सैंपल लिया है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? सरभन्ना के। ये जो गौकशी को लेके क्या मामला हुआ है? मामला ये है, रात यहाँ गौशाला से 2 सांड और 1 गाय और ये जो खोल करके यहाँ पर इनकी गौकशी करी गई है। और इसके विषय में जो वहाँ के कर्मचारी थे जो वहाँ गौसेवा में काम करते हैं, उन्होंने उसका नाम भी यहाँ बताया जिसके लिए ये हुआ है, और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है। जब तक यहाँ जिलाधिकारी महोदय आके स्वयं आके यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और हम यहाँ से जब तक हटने वाले नहीं है, जब तक रजिस्ट्रिंग नहीं हो जाती है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.